7 अगस्त के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि टिकटॉक कंपनी ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलेगा, तो यह आयरलैंड में खोलेगा। और टिकटॉक की जो पेरेंटल कंपनी है वो वाइट डांस है, जबकि टिकटॉक ऐप 2016 में लॉन्च हुआ था। और आयरलैंड को लोग मैप में देखेंगे तो ये आयरलैंड का भूभाग है, और आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन है, और यहाँ के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस हैं, और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं, तो ये इयोन मॉर्गन बन गए हैं, और इससे पहले MS धोनी थे, और इयोन मॉर्गन अभी इंग्लैंड के कप्तान हैं। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, तो यह पंजाब राज्य में किया गया है। और पंजाब को अगर हम मैप में देखें तो ये पंजाब का भूभाग है, और पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, और यहाँ का जो विधानसभा सीट है 117 है, राज्यसभा सीट 7 है, और लोकसभा सीट 13 है। अगला प्रश्न है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है, और सुमित नागल USA ओपन में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी को कितने महीनों का सेवा विस्तार दिया गया है, तो इन्हें 18 महीनों का सेवा विस्तार दिया गया है। और सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि RBI ने रेपो रेट को कितना प्रतिशत तक बरकरार रखा है, तो ये 4% तक ही बरकरार रखा है। और RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं या अभी जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। सातवां प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो यह मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर को मैप में देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का भूभाग है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश बना था। रुस्मा डे कब मनाया जाता है, तो यह 6 अगस्त को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह के रूप में इसे मनाया जाता है, और यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी, और जो बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था उसका कोडवर्ड नाम था लिटिल बॉय। अगला प्रश्न है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यह यतीश यादव द्वारा लिखी गई है। और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः, और इसकी स्थापना 1968 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसके सामंत गोयल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो यह BSNL द्वारा किया गया है। और BSNL इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, और इसके जो और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसका अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।